मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ के लिए ऑनलाइन क्लासों का विद्यालय की ओर से आयोजन किया गया है। आप इनका भरपूर लाभ उठाएं और इसमें आपको मुख्य मुख्य क्वेश्चंस, मुख्य मुख्य टॉपिक के आपको बताए जाएंगे, उनका लाभ उठाएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। उस इसी संदर्भ में हमने चैप्टर नंबर 2 लिया है जो ईजी है और इसके क्वेश्चन आसानी से एक दो दिन में आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले एक नंबर का टॉपिक आता है मुख्य मान ज्ञात करना। उसके लिए हमने साई इनवर्स के दो क्वेश्चन लिए हैं। जिस तरह से ये दो क्वेश्चन है बाकी सब क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होंगे। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको इन तीन रेंज पता होनी चाहिए। साइन की रेंज -π/2 के बीच में होगी, कॉस की रेंज 0 से π के बीच में होगी, टैन की रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो साइन कॉस टैन के जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएंगे। साइन इनवर्स √2, तो √1/√2 में पता है कि साइन में π/4 की वैल्यू होती है, लेकिन मुख्य मान निकालने के लिए हमें ये देख लेना चाहिए कि π/4 हमारी साइन की रेंज में आ रहा है क्या, -π/2 से +π/2 के बीच में है क्या। अगर इन दोनों के बीच में है, इस रेंज में है, तो इसका मुख्य मान sin π/2 यूज करेंगे हम और मुख्य मान आ जाएगा इसका π/4। ऐसे ही cos इनवर्स √3/2, तो हम √3/2 में cos की वैल्यू हमें पता है, cos 30 की वैल्यू होती है, तो cos 30 की जो वैल्यू है वो देखिए π/6 0 से π के बीच में रेंज में है, तो इसका मतलब इसकी प्रश्न वैल्यू π/6 होगी। इस तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 15 इधर दिया हुआ है, तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू 1/3 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स 2x√1 − x2, ये पूरा फार्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x का, बस फार्मूला याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/3, ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2/3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है हमारा, cot इनवर्स ये इसको प्रूव करना है हमें किसके बराबर, 0 के। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला है cot इनवर्स b - cot इनवर्स a। तो इससे पता लगता है अगर नीचे a माइनस b है तो cot के फार्मूले में उल्टा लिखा जाएगा, cot इनवर्स b - cot इनवर्स a। ऐसे ही हमें cot इनवर्स c - cot इनवर्स b, cot इनवर्स c - cot इनवर्स a, ये सभी टर्म प्लस माइनस की हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगी और 0 आ जाएगा और RHS आएगी इसकी कितनी, 0। तो इस तरीके से इन एक्स्ट्रा क्लासेस का आप भरपूर फायदा उठावे। ये आपके एग्जाम में जो बोर्ड में आए क्वेश्चन है केवल वही कराए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही कराए जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को करिए और अपने नंबर को अच्छे तरीके से आप मेंटेन करेंगे, आगे के टॉपिक को कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।